एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलमना क्षेत्र में पति ने पत्नी की गर्दन पर मारी ब्लेड, दुष्कर्म कर शादी से पलटा युवक, रंजिश के चलते मारा चाकू। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलमना थाना क्षेत्र में आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर ही ब्लेड से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने मेनी माता नगर निवासी नबीना शंकर अड़े की शिकायत पर मामला दर्ज कर उसके पति शंकर यशवंत अड़े को गिरफ्तार किया है। घरेलू कारणों से नबीना और शंकर के बीच विवाद होता था। बुधवार की रात भी दोनों में विवाद हुआ। रात में नबीना अपनी बेटी के साथ सोने चली गई। इसी दौरान शंकर ने उसकी गर्दन पर ब्लेड से वार किया। नबीना चीख कर उठी तो शंकर ब्लेड लेकर खड़ा था। किसी तरह नबीना ने शोर मचाकर लोगों को मदद के लिए बुलाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। कलमना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी शंकर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी खबर, सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती को प्रेम संबंधों में बदलते देर नहीं लगी। शादी का झांसा देकर युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी से मुकर गया। सकरदरा पुलिस ने 22 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर आरोपी दानिश आसिफ पठान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिसंबर 2020 में दानिश और पीड़िता की दोस्ती हुई। दानिश ने पीड़िता को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। दोनों के बीच चैटिंग होने लगी। एक दूसरे का नंबर लेकर बातचीत शुरू की। कुछ दिन में ही दानिश ने उसे प्रपोज किया। पीड़िता ने भी हामी भर दी और मिलना जुलना शुरू हो गया। दानिश ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। इनकार करने पर शादी का भरोसा दिलाया। जुलाई महीने के बाद अचानक उसने पीड़िता से दूरी बना ली। आखिर उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीसरी खबर, जरीपटका थाना क्षेत्र में पिता पुत्र सहित चार लोगों ने मिलकर एक युवक के साथ मारपीट की। एक आरोपी ने युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने कस्तूरबा नगर निवासी अविनाश अनिल करवाड़े की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों में राजेश डोंगरे, आकाश डोंगरे, विक्की डोंगरे और आकाश गजबिये का समावेश है। विक्की और अविनाश के बीच पुराना विवाद चल रहा था। बुधवार की रात 9:30 बजे के दौरान अविनाश अपने घर के सामने खड़ा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर आरोपियों से बहस हो गई। चारों आरोपियों ने मिलकर अविनाश को मारना शुरू कर दिया। विक्की ने चाकू से सिर पर वार कर उसे जख्मी कर दिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखकर ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लिंक्डइन, हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।